मेरा नाम हिमांशी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइल लाइफ। वेल, आज हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर शो नागिन के बारे में। वैसे तो नागिन के 3 सीजन्स आ चुके हैं और नागिन 3 जो है वो काफ़ी अच्छी टीआरपी गेन कर रहा है, लेकिन जब बात आती है कपल्स के बारे में तो सभी फैंस जो हैं अपनी अपनी चॉइसेस बताने लगते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नागिन 1 और 2 में दिखने वाली मोस्ट पॉपुलर जोड़ी मौनी रॉय एंड अर्जुन बिजलानी, और नागिन 3 में दिखने वाली रोमांटिक जोड़ी जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी, यानी कि आप सबके बेला और माही के बारे में। बस इसी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी फ्रेंड और कलीग अलका। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं हम दोनों जो कपल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा उनके फेवरेट कौन है, उन्हें क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम कौन फेमस हो रहा है कपल के मामले में, और जोड़ी किसकी पसंद आ रही है सबसे ज़्यादा? देखिए, अगर आपने पॉपुलैरिटी के बारे में हिमांशी बात की है तो बात करें तो नागिन के जैसे हम सीजन्स की बात करें, तीनों ही सीजन्स टीआरपी किंग रहे हैं, टॉप रेटिंग पे रहे हैं हमेशा। और साथ ही साथ जब बात आती है जोड़ियों की, जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल नागिन 3 चल रहा है तो दर्शकों के माइंड में नागिन 3 ज़्यादा बसा हुआ है, तो ऐसे में सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। लेकिन अगर आपने मेरी फेवरेट जोड़ी के बारे में पूछा है तो मैं पर्सनली बताना चाहूँगी, मुझे मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी की जोड़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर व्यूअर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए हिमांशी, कहीं ना कहीं सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी भारी पड़ रहे हैं उन पर। आपको क्या लगता है क्या वजह होगी, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि मौनी रॉय बहुत ही ज़्यादा हॉट भी रही हैं और एक नागिन का जो उन्होंने रोल निभाया वो कहीं ना कहीं शिवांगी के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई, और आज भी कहीं ना कहीं लोग अगर नागिन के बारे में बात करते हैं तो मौनी रॉय का जिक्र ज़रूर होता है। हाँ, अगर आप नागिन वर्ड अगर टीवी की दुनिया में लाएँ तो सबसे पहले नागिन यानी कि मौनी रॉय, ये नाम आपस में कनेक्ट करते हैं। बात अगर जोड़ियों की हो रही है, इस पर हिमांशु बात करना चाहेंगे, नो डाउट कह सकते हैं मौनी और अर्जुन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, जहां वो शिवन्या और शिवांगी के रूप में नजर आई, फिर अब सुरभि ज्योति की बात करें बेला और माहिर। लेकिन केमिस्ट्री के पर्पस से देखा जाए तो अर्जुन बिजलानी और मौनी रॉय से ज्यादा जो केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं माहिर और बेला की पसंद की जा रही है। माहिर और बेला का वो जो रोमांटिक अंदाज, छोटी छोटी बात पे जो नोक झोंक दिखाना, झोंक लड़ाई जो होती है वो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। कभी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो कभी जो है बेला अपने अच्छे अंदाज से, प्यार भरे अंदाज से अपने पति माहिर को लुभा लेती हैं, उन्हें मना लेती हैं, तो शायद यही वजह है कि माहिर और जो बेला की जोड़ी है, जो उनकी प्यारी सी नोकझोंक है, वो दर्शकों को कहीं ना कहीं भारी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टीआरपी के बारे में। टीआरपी में आप देख ही रहे होंगे कि नागिन जो है, नागिन 3 जो है वो काफ़ी नंबर 1 पे बना हुआ है, और ये अभी की बात नहीं है, नागिन 1 और 2 जब आया था तो उन्होंने भी अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई थी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एकता कपूर जब पहले ये सीरियल ला रही थी नागिन 1, तो उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था जो ये सुपर नेचुरल कंटेंट है वो दर्शकों को इतना पसंद आ जाएगा। एकता कपूर ने ये बिल्कुल भी सोच के नहीं बनाया था, हालांकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि यकीनन वो डिफरेंट कंटेंट ला रही थी, लेकिन उनके मन में थोड़ा डर था कि ये मतलब दर्शकों के पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन नागिन 1 जब से शुरू हुआ तो उसने लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि वो सीजन में उस सीजन टीआरपी पे बना रहा, नंबर 1 से नंबर 2 खिसका ही नहीं। तो शायद एकता कपूर ने यही बात नागिन 1 की दिमाग में रखी, नागिन 2 बनाया जो वो फिर से टीआरपी किंग रहा है। और साथ ही साथ बात करें नागिन 3 की, तो हम देख ही रहे हैं कि नागिन 3 जो कि टीआरपी किंग बना हुआ है। हिमांशी, अगर बात करें तो कंटेंट भले ही बाकी सास बहू ड्रामा से एक तो अलग दिख रहा है, बहुत व्यूअर्स को काफी अलग चीज मिल रही है। और ऐसा नहीं कि अगर हम सपेरे और नागिन की कहानियां सुनते हैं तो थोड़ी वैसी ही, बल्कि अलग है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स देख लो, रोमांटिक सीन्स देख लो, लड़ाई भी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अलग और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रोना धोना बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं दर्शक उसी चीज को बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ, मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, रोना धोना होता है, बहुत थोड़ा होता है, बहुत होता है। और साथ ही साथ जब आप अपने नागिनों को देखते हैं तो इतने हॉट अवतार में नजर आती है,
काफी डिफरेंट लुक में और काफी जो केमिस्ट्री है जो कह सकते हैं एक लव ड्रामा स्क्रीन सस्पेंस थ्रिलर सारी चीजें इसमें मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं इंडिविजुअल, जैसे कि मौनी रॉय जो थी उन्होंने मेन लीड निभाया था और वहीं बेला यानी कि सुरभि ज्योति जो है वो भी मेन लीड में नजर आ रही हैं, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी और क्या आपको लगता है डिफरेंस देखने को मिल रहा है? देखिए सिमिलैरिटी की अगर आप बात कर रही है तो भाई सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों ही व्यूअर्स की पसंद है, सबसे बड़ी बात तो ये क्योंकि अगर हॉट नागिन शिवन्या और शिवांगी थी तो भाई बेला भी कम हॉट नहीं है। मौनी रॉय की बात करें तो इनकी अपनी एक अलग पॉपुलैरिटी है, लेकिन अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि मौनी रॉय को पॉपुलर जरूर थी लेकिन जो उन कहते हैं ना वो एक चेहरा बन गई घर घर का वो नागिन की वजह से बनी, नागिन की वजह से और बहुत फेम पाया, हाँ फेम पाया उसे। और बात अगर जब सुरभि ज्योति पे आती है, सुरभि ज्योति की करें तो इससे पहले वो कबूल है कर चुकी है जी टीवी का शो, बहुत ही पॉपुलर रहा हम बता दें आपको सभी दर्शकों की कबूल है मैं बहुत ही जोया के किरदार से बहुत फेमस हुई सुरभि ज्योति। और साथ साथ बता दें कि सुरभि ज्योति अपने किरदार को बखूबी तरीके से निभाती हैं, चाहे आप बात कर ले उनकी रोमांटिक जो नोकझोंक थी उनके बॉस यानी करण के साथ जो कबूल है में थी उनमें बहुत पसंद किया गया, साथ ही साथ अब वो इसमें भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है जो उनकी वो अदाएं हैं क्या वो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है? सुरभि ज्योति की अदाएं बहुत अच्छी है, सुरभि ज्योति की अदाएं की अगर बात की है हिमांशी ने तो बात करें तो उनका कबूल है से बहुत ही अलग रोल है हिमांशी यहाँ पे, जहाँ पर वो चुलबुली टाइप सी झल्ली सी नटखट कर मतलब जो शरारते करती थी वो बहुत पसंद आती थी, इसमें थोड़ा सा करती है लेकिन वो अपने अलग अलग लुक दिया गया है इसमें। और कहीं ना कहीं ये जो लुक इनको दिया गया है जिस तरह से इनको तयार किया गया इनकी पर्सनालिटी दिखाई गई है बहुत वो अच्छा काफी ज्यादा डिफरेंस मिला है व्यूअर्स को भी और सुरभि ज्योति के फैंस को भी, कहीं ना कहीं उनको दूसरी सुरभि ज्योति इस सीरियल में देखने को मिली कबूल है से अगर कंपेयर किया जाए इनके सीरियल को। और अगर बात मौनी रॉय और सुरभि ज्योति के कंपैरिजन की आती है तो भाई मौनी रॉय की अपनी एक अलग पॉपुलैरिटी थी और सुरभि ज्योति की अलग अलग पॉपुलैरिटी है। बेस्ट कपल के अगर मामले में बात करें तो कहीं ना कहीं अर्जुन बिजलानी और मौनी रॉय की खबरें बहुत बार आई कि शायद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि खबरें तो आती रहती है क्योंकि ऑन स्क्रीन जो बॉन्डिंग होती है वो कहीं ना कहीं दर्शक रिलेट कर लेते हैं कि इनकी जो पसंद है इनका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं दर्शकों को बहुत पसंद आता है। साथ ही बात करते हैं अगर सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी की तो इनके जो ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग है इनसे भी खबरें आ रही हैं कि शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हों या फिर इनकी असली जो नोकझोंक है वो दर्शकों को पसंद आ रही है उसी से रिलेट भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो खबरें आती हैं ये क्या मतलब कितने परसेंटेज सच होती हैं कितनी झूठ होती है? हाँ जी इसमें तो हम कुछ अपने मोहर तो नहीं लगा सकते कि कितनी परसेंट सच होती है झूठ होती है, क्योंकि कई ऐसे ऑन स्क्रीन कपल्स को देखा गया है जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है लेकिन रियल लाइफ में वो साथ में होते हैं इसीलिए दर्शक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट कर लेते हैं और डेट भी करते हैं, लेकिन कुछ ऑन स्क्रीन कपल्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं डेट करते क्योंकि दोस्ती बहुत अच्छी होती है और वही ऑन स्क्रीन देखने को मिलती है जिससे कि दर्शक जो होते हैं वो पसंद करने लगते हैं। ये अच्छी वजह भी होती है क्योंकि अगर आप दर्शक को ही नहीं अपने और आकर्षित कर पाएंगे यानी अट्रैक्ट कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि और किसी को भी नहीं लगता होगा कि वो रिलेट कर पाएंगे ज्यादा अच्छी तरीके से। अब गुड लुक्स की बात करते हैं तो अर्जुन बिजलानी और पल्लवी पुरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लड़कियों के बीच में ये दोनों ही चेहरे काफी ज्यादा पॉपुलर है, पल्लवी पुरी और अर्जुन बिजलानी की बात करें तो उनका एक अलग ही चांद है और फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा। और आपको मैं बता दूं हल्का और अपने सारे व्यूवर्स को भी बता दूं कि पल्लवी पुरी इससे पहले भी शोज कर चुके हैं लेकिन सबसे बड़ी वजह इस शो में आने के बाद से पल्लवी पुरी की जो फैन फॉलोइंग है वो आपको बता दें कि दिन ब दिन बहुत ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले कोई इतना नहीं जानता था पल्लवी पुरी को भले ही उन्होंने बहुत सारे शोज किए हों लेकिन जब से वो सुरभि ज्योति यानी कि बेला के अपोजिट आ चुके हैं आपको बता दें कि फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं। सुरभि ज्योति के साथ रोमांस करते हुए देखना, उनके साथ लड़ाई करते हुए देखना, तो कहीं ना कहीं सुरभि ज्योति का बहुत बड़ा हाथ लग रहा है पल्लवी पुरी के फैन फॉलोइंग को लेकर। और अगर आपने अर्जुन बिजलानी की बात की है तो अर्जुन बिजलानी नागिन से पहले ही एक फेमस चेहरा थे, वो काफी सारे सीरियल्स कर चुके हैं जहाँ उनका एक पॉपुलर फेस रहा है, लेकिन पॉपुलैरिटी में तो उन्होंने वहां पे भी हाथ पूरा आजमाया, लेकिन अगर कंपैरिजन आप अर्जुन बिजलानी और पल्लवी पुरी की कर रही है तो इस लहजे में अगर नागिन थ्री के उससे देखा जाए तो पल्लवी पुरी को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है क्योंकि उनका जो चेहरा है वो अब देखने को मिल रहा है दर्शकों को। ये वजह भी हो सकती है क्योंकि सुरभि ज्योति एक जाना माना चेहरा है और काफी पसंद करते हैं दर्शक और दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन
रीजन होते हैं कि आप एज अ कपल ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं तो लोग वो भी वजह रहती है। आप बात कर लेते हैं रोमांस की, बात करते हैं तो ऑन स्क्रीन रोमांस आपको किसे पसंद आ रहा है? देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि पर्सनली मेरे फेवरेट अर्जुन बिजलानी और मौनी रॉय हैं, लेकिन साथ ही साथ बात करें अगर दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस समय सुरभि ज्योति और पर्ल वी पुरी, मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कि अलका को तो लग रहा है कि पर्ल वी पुरी और सुरभि ज्योति जो है वो कहीं ना कहीं मौनी रॉय अर्जुन बिजलानी पे भारी पड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी की जोड़ी भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा तड़का डाला और अपने रोमांस से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरभि ज्योति और पल्लवी पुरी भी अपनी केमिस्ट्री, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो, ऑफ स्क्रीन हो, या फिर उनकी वो सच्ची वाली बॉन्डिंग ही क्यों ना हो, वो दर्शकों को कहीं ना कहीं बहुत पसंद आ रही है। सभी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छा काम करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, अपने दर्शकों को खुश करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को पेश करते हैं, चाहे वो टीवी हो या फिर बाहरी दुनिया क्यों ना हो। आपको क्या लगता है कि दोनों जो कपल्स हैं, अर्जुन बिजलानी और मौनी रॉय एंड सुरभि ज्योति एंड पल्लवी पुरी, यानी कि माहिर बेला और शिवांगी और ऋतिक, दोनों में से आपके फेवरेट कौन रहे हैं? और आपको क्या लगता है नागिन 3 जो है वो टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 पे क्यों बना हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपनी फेवरेट जोड़ी का नाम मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूले कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और जरूर सब्सक्राइब करें हमारे नेक्स्ट 9 चैनल को।